हमारे सभी युवा साथी और गांधी कॉलोनी की पूरी टीम और गांधी कॉलोनी बारात घर, इन सब लोगों ने 200 पैकेट प्रतिदिन ताजे भोजन के बनवा करके वितरण करने का काम, ऐसे सब लोगों के लिए जो निर्धन हैं, जिनके पास किसी प्रकार की भोजन की दिक्कत है, ऐसे सब लोगों को स्वच्छंद रूप से सभी के लिए बिना किसी जाति धर्म भाग के भेद के सब लोगों को वितरण करने का काम कर रहे हैं। और ये मोदी योगी रसोई के नाम से ये लगातार भंडारा यहाँ पर चल रहा है, तो निश्चित रूप से ये सब लोग सेवा करके अपने काम में लगे हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, वीडियो कॉन्फ्रेंस करके हम सब लोगों ने उसे कहा है कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, सबको भरपूर खाद्य सामग्री, यानी कि भोजन के पैकेट भी और खाद्य सामग्री भी, ये लगातार सबको भंडारे के रूप में बांटी जा रही है। कोई दिक्कत हो तो सीधे हमको फ़ोन कर सकते हैं, सबके घर भाना पहुँचेगा, भंडारा पहुँचेगा, सामग्री पहुँचेगा। और इसी के साथ साथ कल यानी 5 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये हम सब से आह्वान किया है कि जो कोरोना नाम की बीमारी है, जो महामारी है, इसको जैसे सूर्य का प्रकाश होता है और सूर्य के प्रतिबिंब आते के साथ ही, वो सूर्य उदय होते के साथ ही अंधेरा भाग जाता है और सर्वत्र प्रकाश हो जाता है, वैसे ही हम सबको रात को 9 बजे 9 मिनट के लिए अपने घरों पर दीपक जला करके, मोमबत्ती जला करके, टॉर्च जला करके प्रकाश करना है, ताकि कोरोना नाम का वायरस जो अंधकार के रूप में अपने देश और पूरी दुनिया के अंदर है, इसको हम भगाएंगे, कोरोना हटेगा और भारत जीतेगा। कल सबको ये काम करके सबको अपनी अपनी फ़ोटो और अपने सोशल मीडिया पे अपलोड करनी है, केवल लाइटें बंद करनी है, स्ट्रीट लाइटें नहीं बंद करनी है, ये भी ध्यान रखिए, केवल मकान की लाइटें बंद करनी। भारत माता की जय।